खाते, इसको ठंडा खाया जाता है। कच्छ की जो ओरिजिनल दाबेली है वो स्पाइसी रहती है हमारी। है कि लोगों को यही लगता है कि गुजराती लोग मीठा ही खाते हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। गुजराती लोग मीठा खाते हैं खाने के साथ, वो रोज लहसुन की चटनी भी खाते हैं। वो कोई नहीं बताता गुजरातियों के बारे में, हम लोग के बारे में। गाइस बन रही है अपनी दाबेली। इस साल भारत दुर्गा पूजा कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अब सबको पता है कि पिछले दो साल हमने कोविड की वजह से दुर्गा उत्सव आयोजन नहीं कर पाए थे, पर हम इस साल उम्मीद करते हैं कि उससे भी ज़्यादा हम इस साल खुशी बनाएंगे। मैं इस चैनल के जरिए सभी भरूचवासी और गुजरातवासी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप लोग आइए, दुर्गा माता का दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। दुर्गा पूजा के साथ साथ बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी रहेंगे, तो सभी को आना आएंगे ये उम्मीद रखते हैं। और सिर्फ दुर्गा पूजा नहीं, इसके साथ साथ हमने बहुत सारे कल्चरल सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जिसमें जैसे कि जो लवरिस लाश है जो कोविड में मौत हो गए थे, उनके लिए हमने बहुत सारे लकड़े हमने दिए थे कि उनको दाह करने के लिए, क्रियाक्रम करने के लिए। उसके बाद हमने रोटरी क्लब ऑफ भरूच में 50,000 का मेडिसिन भी दान किए थे। तो ये सब कार्यक्रम हमें चलते रहेगा और ये सबके लिए आपको आशीर्वाद चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम रविंद्रनाथ पाल, मैं बोलपुर शांति निकेतन से यहाँ से आया है मूर्ति बनाने के लिए। यहाँ मई महीने में आया, पहले गणपति मूर्ति बनाया 100 से 200 तक, उसका बाद नवदुर्गा मूर्ति चालू किया। नवदुर्गा 4-5 मूर्ति ऑर्डर मिला और यहाँ पे जो मूर्ति होगा वो पूरा मिट्टी का ही होगा। मिट्टी का होगा तो नर्मदा में जो विसर्जन किया तो ज्योति से वो मिट्टी निकल जाएगा और नर्मदा माया अच्छी रहेगा। और मिट्टी का वो मूर्ति जल्दी बिगड़ेगा तो सबसे अच्छी होगा।